सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आज हमारा जो टास्क है दैट इज टू कंप्लीट, जो हमें कंप्लीट करना है 21, 22 और 23 श्लोका को, जो मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही हो जाएंगे। 11वें चैप्टर स्कंद पहला चल रहा है। तो इट इज अ रीडिंग, हम थॉरली रीडिंग करते हैं इसमें। इट इज नॉट अ लेक्चर कि एक श्लोका पे लेके और पूरे चैप्टर को लेके आई विल बी स्पीकिंग ओनली। सो इट इज जस्ट अ कंग्रीगेशनल फैमिली रीडिंग की तरह चलता आ रहा है कई महीनों से। तो लेट अस डू दैट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो आई होप आपने 19वां श्लोक, यस नहीं 20th श्लोका जो था वो कंप्लीट किया होगा। उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, स्पेशली इन द तात्पर्य, जहाँ बताते हैं श्रील प्रभुपाद, जो भी ऑल द पुराना आर द हिस्टोरिकल फैक्ट्स डिस्क्राइब्ड ओनली इन रिलेशन विद कृष्णा इन डिफरेंट एजेस एंड टाइम्स। बोलते हैं कि जो भी पुराणास हैं वो कृष्ण को ही संबोधित करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट और एंड टाइम्स एज वेल एज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सारे पुराण सिर्फ इस धरती पे ही हुए हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी हुए हैं। मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? कृपया करके आप सब अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। यस थैंक यू। एंड व्हाट एल्स? यस, देयर डिफरेंट प्लैनेट्स एज वेल ऑन डिफरेंट, देयरफॉर वी डू नॉट फाइंड एनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसलिए हमें क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजी हो गया 1 2 3 4, ऐसे तरीके से नहीं देखने को मिलता है। सो ये रिशफल होते हैं। सो हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो आजकल के मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, इतिहास जो लिखते हैं, वो इसको क्रोनोलॉजिकली फिट करना चाहते हैं, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ये बहुत वास्ट है, पुराना वेदास हमारे। एनीवेज, चलिए आज का हम कंटिन्यू करते हैं 21, 22 और 23 श्लोक, जो कि आपकी स्क्रीन पे होगा कुछ ही देर में। प्लीज अपने वीडियोस ऑफ कर दीजिए। रमेश प्रभु, रमेश पटेल प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरते। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू ऑल। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं हम सब। जहां बैकग्राउंड नॉइज हो ना, वो प्लीज अपना म्यूट पे रखा करें। इट्स लाइव ऑन फेसबुक एज वेल, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। हालांकि आधा घंटा निकालना चाहिए, थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, बैठ के भागवतम पढ़ना चाहिए। तो एज आई सी स्टिल शोर आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, रेणु अग्रवाल माता जी के शायद नैवेद्य माता जी, आई डोंट नो किसके एंड से शोर आ रहा है। चलिए लेट अस कंटिन्यू। ओके फाइन, पढ़िए प्लीज। भगवन तत्र बंधुना, इट इज सो डिस्टर्बिंग फॉर माई साइड की इतना शोर आता है एक साथ। सो मे बी इन फ्यूचर टाइम आई डोंट हैव टू अलाउ एनीवन टू अनम्यूट। तो आप सब खुद ही मैच्योरिटी दिखाए, जहाँ शोर है वो प्लीज अनम्यूट ना करें। जो लोग जो भक्तजन शांतिपूर्वक जगह पे नहीं बैठ सकते, दे डोंट हैव टू आवाज, तो किसी का कुछ सुनाई नहीं दे पाता मुझे। एनीवेज, चलिए अभी हम अनुवाद और तात्पर्य को कंटिन्यू करते हैं। बहुत छोटे छोटे वर्सेस हैं, ब्यूटीफुल वर्सेस हैं, जल्दी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया।
Lord Krishna, the personality of Godhead, approached them and offered due honor and respect to each and every one of the friends, relatives, citizens, and all others who came to receive and welcome him. Tatparya. Om Ajnanam Tirumandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmritam Yena Tasmai Shri Guruve Namam. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaka Dhamayam Dadati Sapadhitam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadhavetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasagana Lalita Shivasakanvatam Sajivam. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय वांछाय कल्पत्रवेश कृपा सिंधु वैवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो वैष्णवदाय कृष्णवेशाय बुद्धे श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So let us start reading Tatparya of this verse. Ruchiga, you can unmute yourself. हरे कृष्णा तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है ना ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो. यहाँ पर यथाविधि शब्द महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ है यथा योग्य. वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं. निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता. इसलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं. जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते. वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं और ऐसे आदान प्रदान का नमूना यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है. हरे कृष्णा. So, यहाँ से तो हम इतना समझ ही सकते हैं कि भगवान का रूप है वो निराकार नहीं है. जो लोग उसको उनको भगवान को निराकार कहते हैं या इम्पर्सनल जिसको इंग्लिश में कहते हैं तो दैट इज अ हाफ थ्योरी ऑफ देम कि हालांकि उनको आध्यात्मिकता में इतनी ज्ञान नहीं हो चुका है कि दे कैन अंडरस्टैंड कि कृष्णा इज हैविंग दैट रूप सच्चिद आनंद से भरा पड़ा हुआ है. इटर्नल है वो, ब्लिसफुल है वो, ट्रांसेंडेंटल उनका जो स्वरूप है है वो. बेशक हमारे जैसा नहीं है, मतलब हम जो हैं सच्चिद आनंद तो नहीं है. एक माइन्यूट लेवल पे आप बोल सकते हो हम भी सच्चिद आनंद है, कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो दैट्स व्हाई. बट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी वी आर नॉट, है ना. हम क्वांटिटी गुणता के में कुछ भगवान से मेल खाते होंगे, गुण हमारे भगवान के जैसे कुछ मिलते होंगे, लेकिन गिनती के रूप में उनकी क्वांटिटी के रूप में भगवान तो भगवान है और हम बद्धजीव ही रहेंगे जीवन भर. लेकिन एनीवेज यहाँ पे देखने को मिलता है शुद्ध भक्त का कैसा आदान प्रदान, कृष्ण के साथ डायरेक्टली आदान प्रदान होता है. क्यों होता है? क्योंकि ही इज हैविंग अनअलॉयड डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा. उनको कोई और चीज की सुधबुद होती नहीं है. निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता. इसलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं अर्थात वह अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं. बट ट्रांसेंडेंटल सॉरी इम्पर्सनलिस्ट के साथ यानी कि जो निराकार रूप में विश्वास रखते हैं उनके साथ भगवान इस तरीके से आदान प्रदान नहीं करते हैं. भगवान उसी तरीके से उनके समक्ष आते हैं जिस तरीके से वो बचते हैं निराकार. उनको लगता है कि भगवान निराकार ही है. एनीवेज नेक्स्ट लेट मी सी ग्रुप आज किसका रीडिंग है. ग्रुप 6 शारदा मन्हास एंड सुमन माता जी. लेट मी सी कौन जुड़ा है उनको. सुमन माता जी एंड ओके सुमन माता जी प्लीज. सुमन माता जी फ्रॉम उधमपुर. तो आप इस हरे कृष्णा
जी हरे कृष्ण। प्रभावित कर स्पर्श समिति शने आशा आशाश पाके बहु बारे चा भीमते बिरबो भुवा। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समूह उपस्थित लोगों को यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर आलिंगन करके हाथ मिलाकर देखकर तथा हंसकर आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वासुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वेश्याएं तथा कुत्ते तक, खाने के आदि चंडाल तक थे। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्न भिन्न अंश हैं और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार विभिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त विभिन्न अंशों पर समान रूप से वत्सल्य रहते हैं। वह इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटाने के लिए, समन दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वह भगवान द्वारा द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, इतना ही ये है। हम पे जी, ये हम पे हरे डिपेंड करता कृष्ण। है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे स्वीकार करें या नहीं। ऑल दो हम इस तात्पर्य से बहुत, इस श्लोका से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में 8वें श्लोक में भी इसका वर्णन होता है, ह्यूमिलिटी। यहाँ पे देखिए हम भगवान क्या है, अपना किस तरीके से उनको ग्रीट कर रहे हैं, अपना मस्तक झुकाकर। तो जब हम भगवान की बात करें, जब भगवान ऐसा कर रहे हैं, अपना मस्तक झुका रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या गर्दन में कोई प्रॉब्लम है? तो हम झुकते नहीं है इजिली, इतने झुकते नहीं है। लेकिन एक बात मुझे स्पेशली अपने लिए याद रखनी है इस श्लोका के थ्रू, आप सब भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, कि जो झुका हुआ पेड़ होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा फल लगते हैं। तो हमेशा झुक के रहना चाहिए, चाहे वो लोवेस्ट टू लोवेस्ट क्यों ना हो। यहाँ देखिए वैश्या आए हैं, वैश्या आ रही है भगवान के सामने, चंडाल, चंडाल होते हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं, वो सब इतने लोवेस्ट ग्रेडेड जो हैं वो आ रहे हैं, और वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान भी इन रिटर्न मस्तक झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। तो जीवन में अगर हम ये अपनाएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएगी, भक्ति भी हम सबके लिए आसान हो जाएगी। अगर ये ह्यूमिलिटी, अगर हम ये हम्बलनेस, अगर हम ये शिक्षा अष्टकम का 3रा श्लोक, ये आप सबका होम टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, कि शिक्षा अष्टकम का 3रा श्लोक आप सब पढ़े। उसको अगर याद नहीं रहता है तो आप वो पढ़े, क्या है वो, अगर किसी को अभी पता है तो दे कैन मैसेज मी इन द चैटिंग सेशन। बट वो चीज हम अपने जीवन में अपनाए। तो एक चीज हमेशा झुक के रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी पोजिशन पे क्यों ना पहुंचे, चाहे हम लोवेस्ट रहे या हाईएस्ट क्यों ना पहुंच जाए, भक्ति में आगे बढ़े या ना बढ़े, भौतिक जगत में धन हो या ना हो, हमेशा झुक के रहने का प्रयास करना चाहिए सबके साथ। और वही है ना, कहते हैं ना, जो झुकते जो हैं वो झुकते हमेशा जिंदा हैं, अकड़ते तो सिर्फ मुर्दा हैं। तो मुर्दा हैं वही अकड़ते हैं, जो अगर हम में जान है, हम में जीव आत्मा है, तो लेट्स लेट्स बी वेरी हम्बल टुवर्ड्स एवरीवन, स्पेशली व्हेन वी आर इनटू द डिवोशन। जब हम भक्ति में जीवन में हैं, हम 10 लोगों के लिए एक प्रेरणा बन के आ सकते हैं, कि क्या हम में हम्बलनेस है या नहीं, क्या हम में सॉफ्टनेस है या नहीं, क्या हम में एक 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 ह्यूमिलिटी है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में ये चीज ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल है। जो जो भगवान का भक्त है, भगवान स्पेशली भगवान के अन्य अन्य रूपों का भक्त है, उसमें ह्यूमिलिटी ना हो, सॉफ्टनेस ना हो, हम्बलनेस ना हो, तो वो यानी कि वो अभी भगवान की भक्ति में काफी पीछे रह चुका है। तो दैट इज वेरी वन, वो उसको ना, जानवर को कभी कुछ कष्ट पहुंचे तब दर्द होता है, तो दूसरों को कष्ट कहाँ पहुंचाएगा वो। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू कम ऑन दैट स्टेज, हम सब उसी प्रयास में है कि हम सब उस पोजीशन को अटेन कर सके, दैट ह्यूमिलिटी, कि हम मस्तक झुका के हमेशा सबके समक्ष रहे, चाहे को हमारे सपोर्ट में हो या ना हो। इट इज वेरी मीनिंगफुल, स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल रहेगा आज का ये श्लोका। तो नेक्स्ट श्लोका पे हम चलते हैं।
तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, उसको अगर कोई मुश्किलात है तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। एनीवेज सुमन सॉरी शारदा माता जी तो नहीं कनेक्ट हुए हैं, लेकिन कौन पढ़ना चाहेगा? एनी न्यू डिवोटी रेज योर हैंड इन द चैटिंग सेशन। और मुझे पता नहीं है कौन अवेलेबल है, इसलिए मैं सबको अनम्यूट नहीं कर सकता। ये देखिए नेहा गोयल माता जी, आरती महाजन माता जी, दे आर वेरी रेगुलर डिवोटी एंड दे आर इन टू माई ग्रुप। I know what they are doing in their devotional life. कुछ हद तक मुझे पता है। जो नए भक्त हैं जैसे मनोज साबले प्रभु जी, मानी मोजी प्रभु, मानी मोजी पता नहीं प्रभु जी है माता जी है, बट जो भी हैं जीवात्मा तो हैं जरूर। एवरीवन शुभम कुमार प्रभु जी 5 मिनट पहले ही आ गए थे, सो दिस इज गुड। अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमें 2-4 मिनट तो पहले आना चाहिए, हम 2-4 मिनट बाद में आते हैं। बहुत सारे नाम है, आपको पता ही है मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो एनीवेज कौन पढ़ना चाहेगा? वी डोंट हैव टाइम मच। एनीवेज दो के ही रेज हैंड हुए हैं, तो लेट मी सी दैट। ओके, किसी ने हरे कृष्णा किया है, कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी शारदा। ओके कृष्णा, कृष्णा नाम से शारदा माता जी जुड़े हैं। ओके आई वाज नॉट नोइंग दैट माता जी, प्लीज आप पढ़ लीजिए कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप कृष्णा के नाम से क्यों जुड़े हैं? ओके पढ़िए प्लीज। हाँ जी, स्वयं च गुरुवि विप्रह सदारे सत्विरह अपि अश्रिर्वि युज्यमानम अन्य विनिन्दिभिः च अविशतः पुरम। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। तात्पर्य, समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्ध एवं असक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण राजा के चटुकार नहीं होते थे अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों के समान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। इतना ही है प्रभु जी? जी जी इतना ही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे हमें ब्राह्मण की एक क्वालिटी तो पता चल रही है कि देवर नॉट लालची। आजकल के ब्राह्मण अगर आप देखो थोड़ा सा डीपली जाके कि किस तरह वो लक्ष्मी के आगे पीछे घूमते हैं, हालांकि वो माया है, उनको पता चलना चाहिए कि वो लक्ष्मी जो भगवान के उपयोग में नहीं, वो लक्ष्मी नहीं, वो माया है, सिर्फ माया है। तो दिस इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण। तो हालांकि जब हम कोई भी संस्कार करते हैं किसी भी प्रकार का, हमारे अभी सनातन धर्म में इतने सारी संस्कार होते हैं, तो उस टाइम पे हमें कोशिश करना चाहिए वैष्णव को बुलाए जो यज्ञ वगैरह करे। तो अगर कोई ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण है, वो ये सारी चीजों के पीछे नहीं भागता, पैसे के पीछे स्पेशली, वो तो 4 नियमों का पालन करेगा। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी, अगर हम किसी ब्राह्मण को बुला रहे हैं क्या वो 4 नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कौन बताएगा मुझे 4 नियम? चलिए अभी है 5-10 मिनट, तो लेट मी सी चैटिंग। रेज योर हैंड, हु इज गोइंग टू से दैट? नेहा गोयल माता जी ने हाथ खड़ा किया है, ऑनली कोई? हाँ सुमन माता जी, रेनोवर माता जी, आरती माता जी, ओनली 4 हैंड्स आर देयर। प्रिंसी माता जी, ओके तो चलिए मैं प्रिंस, बाकी सब तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन माय टच। निवेद्या एंड रितिका माता जी से मैं पूछना चाहूंगा 4 नियम बताए मुझे। नो इलिसिट सेक्स, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, फॉर अ स्टार्ट नो इलिसिट सेक्स एंड chanting. वो chanting तो है, लेकिन 4 नियम, no illicit sex is one, yes, you are 100% right. Yeah, go on. This is bad for mind. कोई बात नहीं, I'm so sorry. No, that's okay. I know you remember that, but हो जाता है। चलिए अभी मैं प्रिंसी माता जी से पूछूंगा।
प्रिंसी माता जी, सॉरी प्रेरणा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। प्रिंसी माता जी प्लीज। चार नियम पालन जो हमें करना चाहिए, अवैध संबंध रखना है, कोई नशीली कोई चीज पदार्थ नहीं खानी है, मांस मीट मच्छी लहसुन प्याज जो इसमें सब आता है वो नहीं करना है। तीन तीन ट्रेन हो गए, और चौथा मांस मच्छी मीट नशे वाली चीजें का अवैध संबंध नहीं रखना, वो हो गया। वो सबसे पहले बताया आपने। हाँ ठीक है, वेरी गुड, यू आर वेरी नियर, आप बहुत पास हैं चौथा बताने के पीछे। चलिए क्विज होना चाहिए कभी कभी। चलो रुचिका से पूछता हूँ मैं, चौथा नियम कौन सा है वो? नो गैम्बलिंग। हाँ, जुआ नहीं खेलना, वेरी गुड। तो देखिए अभी हमें दीक्षा के लिए प्रेरणा लेनी है, और दीक्षा आगे हमें दीक्षा भी लेनी है आप सबको, मुझको भी ऑफकोर्स, ब्राह्मीण दीक्षा के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? पता नहीं सिर्फ होना चाहिए, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। मैं वापस स्पीड करता हूँ, जैसे प्रिंसी माता जी और रुचिका ने बताया, और ऑफकोर्स निवेद्या एंड रितिका माता जी ने भी बताया। मुझे पता नहीं निवेद्या माता जी बात करते हैं, रितिका माता जी बात करते हैं। एनीवेज, तो नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध नहीं रखना, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, उसमें लॉटरी भी आती है कभी कभी, हम आईपीएल में भी सट्टा वगैरह लगते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। एंड नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। नशे में प्याज लहसुन भी आता है, शराब भी आती है, सिगरेट भी आता है, तंबाकू भी आता है, गुटखा भी आता है, चाय भी आती है, कॉफी भी आता है, चॉकलेट भी आता है, कैफीन से जो भरा पड़ा चॉकलेट होता है। तो ये सारी चीजें याद रखें। और लास्ट हम ऊपर नीचे बोल सकते हैं, लास्ट हो गया, फोर्थ वन हो गया, नो मांस, नो मीट ईटिंग, मांस मच्छी अंडा नहीं खाना, ये सबको दूर भगाना, ठीक है? ये हम सबका नियमों का पालन, और 16 माला, दैट इज व्हाट वी हैव टू कंटिन्यू। 16 माला अगर अभी आप नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास करिए। जो लोग बिल्कुल भी माला नहीं कर रहे हैं वो एक माला, दो माला, पांच माला, दस माला, जितना भी करना चाहो कर सकते हैं। जो अभी नॉन दीक्षित हैं, जो नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, वो नीम की माला पे जप कर सकते हैं 16 माला का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जब 108 बारी हम जब पढ़ते हैं तो एक माला कहलाई जाती है, और इसी प्रकार की 16 माला करनी होती है। तो जाहिर है जो नए भक्त हैं वो अगर 16 माला की तरफ डर लग रहा है उनको, ये 2 घंटा कौन बैठेगा जप करने के लिए, कोई बात नहीं। तो अभी आप जितनी माला आप करना चाहो कर सकते हो, और फिर मुझे बाद में अपडेट दे कि आप इतनी माला कर रहे हैं तो आगे कैसे माला बढ़ाएं। आई विल पर्सनली ट्राई टू हेल्प यू, ट्रेन यू विद द मर्सी ऑफ, बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड श्री गुरु एंड गौरांगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा वो लगता है बट हो जाता है, एंड लाइफ इज मेंट टू डू दैट ओनली, ओके? मुश्किल नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड, वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो अदरवाइज जो ब्राह्मीन ये सब का पालन नहीं करते उनके द्वारा यज्ञ जो होता है वो असफल हो जाता है। तो इट्स बेटर अगर हमें ब्राह्मीन ना मिले तो हम खुद हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध तरीके से जप करके सारी चीजों का पालन पोषण कर सकते हैं, जो भी क्रियाएं हैं वो संपन्न कर सकते हैं। पहले भगवद गीता के पहले अध्याय में भी इसका वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद की, स्पेशली कलयुग में हमें ऑब्लिगेशन जो होते हैं पूरी तरीके से नहीं हो पाते। अभी के समय में कुछ हद तक हो रही है, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन ही होगा, दैट इज फुल टाइम गारंटीड, ये सब वैष्णव आचार्यों ने प्रेडिक्ट कर दिया है। तो वी हैव टू सेट द एग्जांपल फॉर द फ्यूचर, हमें आने वाले भविष्य के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, अगर हम ब्राह्मीन को ढूंढना चाहे तो ब्राह्मीन मिल जाते हैं, शुद्ध ब्राह्मीन, वैष्णव को आप ढूंढ सकते हैं। वही होता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप आसमान में देखेंगे तो चांद 1000 नहीं है, तारे 1000 हैं, तो इसलिए चांद सिर्फ एक होता है। जो शुद्ध भक्त होता है, जो एक शुद्ध वैष्णव होता है, जो यज्ञ वगैरह संपन्न करे, वो सिर्फ एक ही होता है। तो उसमें ढूंढने में कहीं कभार हमें प्रयास लग जाता है। सो डोंट वरी, नो फिकर, नो डर व्हेन कृष्णा इज हियर, ओके? तो किसी का कोई सवाल या कुछ, किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ हो तो प्लीज चैटिंग सेशन में पूछ सकते हैं। वी आर हैविंग 5 मिनट्स, सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर टुडे सेशन। ओके, लेट मी सी, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी हरे कृष्णा किया है। मिसिंग शिवानी सिस्टर, लास्ट सिंस यस्टरडे, प्रभु जी डू टेक केयर। यस, भक्तिन शिवानी इज नॉट हेयर, शी इज आउट ऑफ टाउन, तो वो 6-7 दिन के बाद ही आएंगे ऑनलाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमिता दीपिका फ्रॉम अंबाला, थैंक यू माता जी फॉर ज्वाइनिंग। कोई डाउट होता है माता जी कैन आस्क मी एनी टाइम, हियर इज इन द माय नंबर, मेरे बैक स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 9086787874, उसको जूम कर सकते हैं आप अगर जूम होता है तो,
but I will repeat 9086787874. यस नेहा माता जी ने बताया हुआ है, नेहा माता जी की चार नियमों का क्या क्या है, शालू माता जी ने भी बताया, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन. 16 माला इज ऑफ कोर्स अ नियम, बट चार नियम में वो नहीं आता, दैट इज द बेस, द इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपल्सरी पार्ट फॉर द नियोफाइट्स. ओके, इन प्रेजेंस इट्स विद रूल्स, जस्ट लॉग ड्यू टू टर्न पावर फेलियर. सो पता नहीं सुनीता माता जी, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है. एनीवेज, व्हाई नो अनियन गार्लिक, ये कौन लिख रहे हैं, निवेदिया नृतिका, बिकॉज इट्स अ तामसिक. अगर आप साइंटिफिकली भी इसको देखोगे, इवन साइंस इन द साइंटिफिकली टर्म्स, इट इज नॉट, जब हम पायलट, जब पायलट ट्रेनिंग होती है ना, तो उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि फ्लाइट चलाने से पहले पायलट्स को कि आप 2 से 4 घंटा पहले प्याज लहसुन ना खाए, क्योंकि वो तामसिक होता है, आपको मोड ऑफ पैशन में ले लेता है. आध्यात्मिक गुणों से अगर हम देखें, इसके प्रकार की हमें कथाएं देखने को मिलती है. स्पेशली हमें 2 कथाएं मुझे अभी स्मरण में आ रही है, एक वैष्णव आचार्य के द्वारा हमें सुनने को मिलती है. क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण था, अफकोर्स उस टाइम पे ना गो जो होते थे, जैसे मैं आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ होते थे, तो उसी टाइम पे गो यज्ञ भी होते थे, गोमेध यज्ञ जिसको कहा जाता था. उस टाइम पे सैक्रिफाइस होते थे, वो उसका एक नियम होता था जहाँ पे उस एनिमल को सैक्रिफाइस करते समय उनको योनी मिलती थी, मनुष्य योनी, आने अगली योनी मनुष्य की योनी मिलती थी. इस तरीके से इतने प्योरिफाई यज्ञ होते थे. बट उस टाइम पे वो जो चंडाल होते थे ना, वो उस मांस को लेके खा लेते थे, उसका सेवन करते थे. इस प्रकार के भी डिग्रेडेड फॉर्म में भक्त लोग होते थे, नॉट भक्त. तो एक ब्राह्मण तो जो ये यज्ञ कर रहा था, उसने देखा कि वो जो गो माता है, उसका जो मांस है, मेरी आवाज आ रही है ना आप सब तक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ताकि आप आगे बता सको. तो गो माता है, उनका जो मांस था वो कोई लेके जा रहा है, मतलब फॉर ऑफकोर्स ईटिंग, ऑफकोर्स विच इज रियली डिस्गस्टिंग पार्ट फॉर द डिवोटी स्पेशली, क्योंकि माता जो गो माता है वो वर्शिपेबल है. तो उस ब्राह्मण को मतलब ना, जब दिमाग, वो एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही उस ब्राह्मण के साथ हो गया. उसको वो मांस देख के मुंह एक लालच सा आ गया और मुंह में पानी सा आ गया कि मैं भी इसका सेवन कर सकता हूँ क्या. उसने बोला, अरे मैं ब्राह्मण पोजीशन पे हूँ, अगर मैंने इसका सेवन किया तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा, मेरे को तो शूद्र या चंडाल के योनि में डाल देंगे, चंडाल ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि गुणित जो क्वालिटी होती है उससे डिस्क्राइब होता है कौन ब्राह्मण है, कौन चंडाल है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है या कौन क्षत्रिय है. तो ये देख के उसने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया. उसने बोला कि मैं आऊंगा, चोरी से उसने उठाया और उसने बोला कि एक जमीन में दफना दिया. उसने बोला मैं रात को आऊंगा और इसको यहाँ से निकालूंगा, जो उसने मांस का टुकड़ा था, दैट वाज अ लेग पीस, एक टांग थी गो माता की, जो उसने बोला उसका सेवन मैं करूंगा बाद में, रात को आऊंगा, क्योंकि दोपहर में तो सब देख लेंगे मुझे गाँव के लोग. तो वो रात को जब आता है तो वहां देखता है उस जमीन में जो उसने टांग दफनाई होती है, उसमें से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हो गई होती है. तो इसको देख के काफी डर जाता है. तो यहाँ से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति होती है. अगर आप थोड़ा सा एग्जामिन करें, थोड़ा डीपली देखेंगे, तो जो मेरे को काफी समय हो गया प्याज लहसुन खाए हुए, तो बट अभी उसको रिवाइव करूं. जैसे लहसुन जो होता है ना, लहसुन इज जस्ट लाइक दिस, वो आपको एक गाय के पंजे जैसा लगेगा, और जो प्याज है और उसके ऊपर जो निकला होता है जो ग्रीन सा, जो उसका एक लीव्स टाइप जो होते हैं, तो वो गोमाता के जो एल्बो का होता है और ऊपर से टांग उसकी है, उस शेप में वो उसकी उत्पत्ति हो गई. दूसरी कथा भी हमें देखने को मिलती है शास्त्रों के द्वारा, जहाँ इसकी क्रिएशन बताया गया है. जब अमृत, जब वो समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ राक्षस थे एक तरफ से देव थे, तो अमृत आया तो भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि इसका सेवन राक्षस करे, क्योंकि राक्षस अच्छी चीजों को भी गलत कंसिडर कर देते हैं. तो वो चाहते थे कि देव, जो एटलीस्ट भगवान को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसको सेवन करें, क्योंकि वो मोड ऑफ एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस में थे. जो राक्षस होते हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में थे, तो वो नहीं चाहते थे अमृत सेवन करें. तो उन्होंने इस पर लड़ाई हो गई काफी देव और राक्षसों के बीच में. भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उसके इससे राक्षस डिस्ट्रैक्ट हो गए. मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ थोड़ा. तो इससे राक्षस स्ट्राइक हो गए, लेकिन एक राक्षस था जो राहु केतु, जो आपने नाम सुना, वो क्या गए, वो उसमें चले गए, देवों की लाइन में चले गए, जहां देवता लोग थे उनकी लाइन में चले गए. तो उसको वो जब देने वाले थे अमृत, उसने राहु जब वो पीने लगा था, तो अमृत गले से नीचे उतरने ही वाला था, तो भगवान समझ गए कि ये तो राक्षस है. उसने उन्होंने जल्दी सुदर्शन निकाला और उसका धड़, मतलब अपना उनका सर जो है अलग कर दिया. जब सर अलग कर दिया तो उससे गिरा हुआ जो रक्त था
वो जमीन पे गिरे उससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति होती है। और अगर इसीलिए उसमें प्याज और लहसुन में कुछ औषधि गुण भी होते हैं, क्योंकि अमृत भी था ना जब वो नीचे जा रहा था तो अमृत भी था, लेकिन उसके सबसे बड़े जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो है ही भक्ति में जीवन में स्पेशली, क्योंकि वो राक्षस के रक्त का बना हुआ है। तो इट इज नॉट गुड फॉर द डिवोटीज टू डू, और जो भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है ये चीजों का सेवन नहीं करते। देवी देवता भी सेवन, जो डिग्रेडेड फॉर्म के लोग होते हैं वो इसका सेवन करते हैं, जो अपग्रेडेड फॉर्म के होते हैं वो इसका सेवन नहीं करते। हर चीज में कुछ नियम एंड नियमावली होती है। इवन देवी देवता को भी अगर आप भोग लगाते हैं तो प्याज लहसुन नहीं लगाते हैं, हालांकि सब कुछ भोग भगवान को लगना चाहिए फिर देवी देवता को लगना चाहिए, सीधा देवी देवता को या पितरों को भोग नहीं लगता है। और आप भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी जाएंगे वहां पे बिमला देवी यानी कि दुर्गा माता को भी भोग लगता है, लेकिन उनको सीधा डायरेक्टली भोग नहीं लगाते, पहले भगवान को भोग लगाते हैं फिर उसके बाद बिमला देवी यानी कि दुर्गा माता के पास भोग जाता है। तो अगर आप देवी देवता को यहाँ अपने होते हैं सब बहुत सारों के कुल देवताओं में आस्था है या पितरों को श्राद्ध करते हैं तो पहले भगवान को समर्पित होना चाहिए फिर जाके उन देवी देवता तक जाना चाहिए। ओके ओके बट समटाइम्स बीइंग हम्बल वी आर एक्सप्लॉइटेड इन द सोसाइटी। नवीद्या एंड रितिका माताजी आज दिस कैन यू प्लीज स्पीक ऑन दैट। Sometimes in being humble, we are exploited in the society. Society हमेशा जो humble, ना कि सिर्फ humble जो अच्छे लोग हैं उसको exploit करने के लिए ही बनी हुई है, especially in the Kaliyuga. But हमें society से क्या लेना देना है? हमारा है ना international society for Krishna consciousness. हम इस्कॉन से आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, हमारा society ये है। उस society में तो हम time pass करने के लिए जाते हैं ना, office जा रहे हो या जो भी आप समझ गए what I mean. जहीं पे भी पार्टीज वगैरह अटेंड करते हो तो उनको अपनी अपने में वो रखो ना, कॉन्फिडेंस रखो कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फॉर द लिमिटेड टाइम दे विल चैस्टाइज यू, दे विल टॉन्ट यू, दे विल टीज यू, बट फिर आने वाले समय में दे विल नो द योर वैल्यू, बिकॉज आप भक्त योनि में जब आप प्रवेश कर दोगे, भक्त बन जाओगे तो दे विल गेट टू नो। और अगर कोई भक्त की निंदा करता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र की निंदा, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है उसकी कोई निंदा करता है तो उससे उसी का नुकसान है, और जो जिसका मजाक उड़ाया जाता है उसका फायदा है, क्योंकि जो पाप कर्म होते हैं उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त है, उसने किसी का बिगाड़ा नहीं तो उसकी क्यों बिगाड़ रहे हो तुम, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो चाहे वो इवन भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार ही जप कर ले उसका भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। At least who is trying or who is dedicated towards Krishna, उसका तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो we should not worry about what society is talking about us or what they are doing, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हमें अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। स्टार्टिंग दौर होता है जहाँ पे हमें काफी एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है, लेकिन ग्रेजुअली समय के साथ साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं। ये भी एक परीक्षा है भगवान की। ओके तो we will end today's session. आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे आपको हमने कल भी बताया था कि हमने एक नई सीरीज शुरू की हुई है ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब, दैट इज भक्ति इन गृहस्थ, गृहस्थ में रहकर भक्ति कैसे की जाए। तो उस दैट इज 5 मिनट का वीडियो है, 3 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा रेगुलर बेसिस पे, मोस्ट प्रॉब्ली रेगुलर बेसिस पे, अगर रेगुलर बेसिस पे ना भी रह पाए तो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहेगा ही। तो उसमें भागवतम, चैतन्य चरितमृत, भगवद गीता जैसे अन्य ग्रंथ शिला प्रभुपाद द्वारा या अन्य आचार्य द्वारा जो रिकमेंडेशन है कि गृहस्थ आश्रम में रह के कैसे भगवान का भक्त बना जाए, भगवान को प्राप्त किया जाए, उसको हम सामने समक्ष आपके रखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं विद माई नेम, दैट इज दृष्टिदास, और यहाँ आप साइंस ऑफ कृष्णा पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब पे भी किया जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी किया जाएगा, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। बट आई रिक्वेस्ट कि जहां पे भी आपको देखने को मिले शेयर करें उसे, और भागवतम में भी सबको ज्यादा से ज्यादा जोड़ के रखें। ओके, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड, आप सब भी इतना आई एक्सपेक्ट किए इतना सब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो, जय एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो।